तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, तत्काल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। अभी इस वक्त हम मेयो हॉस्पिटल के कोविड ओपीडी के सामने खड़े हैं और हमारे सामने जनाब जावेद साहब आपके सामने कुछ बात रखेंगे। हाँ बताइए जावेद साहब, क्या बात है? मैं यहाँ मेवा हॉस्पिटल में 8 नंबर ओपीडी कोविड ओपीडी है उसके सामने खड़ा हूँ। हाँ, जैसे आप पेशेंट देख सकते हैं, ये एक पेशेंट है जिन्हें अभी आईसीयू की सख्त जरूरत है। हाँ जी, एक इधर आइए, जैसे मैं आपको बताऊँ, एक ये पेशेंट है, ये देखिए ये भी पेशेंट है, आईसीयू की सख्त जरूरत है। हाँ जी, ये देखो बहुत सीरियस पेशेंट है, ये क्या है मेवा का राज? ये सब जो पेशेंट हैं ये ऐसे ही बाहर में बैठ के क्या करना चाहिए, नहीं मिल पा रही है, हमारे लिए सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। और मेन मसले की बात ये है, अभी नाना भाऊ पटोले साहब यहाँ पे आए थे, मेवा प्रशासन से उन्होंने बात की, मेवा प्रशासन का यही कहना था कि हमारे पास जितनी बेड अवेलेबल थी वो पूरी बेड अभी फुल है। इसमें मेवा प्रशासन की तो कोई गलती नहीं है, जितना इनके पास स्टॉक था जो था वो सब लगा चुके हैं, जितनी बेड है मेवा प्रशासन ने लगा चुका है। इसमें अब मेन रोल है जो है सरकार का, अब इतना ही महामारी बढ़ गई है, इतना कोविड जो बढ़ चुका है, तो अब इसमें सरकार क्या रोल प्ले करती है, जैसा ये मेन रोल है। जैसा कि अभी प्रशासन के कोई आदमी ने ऊपर बताया, मैं ऊपर मीटिंग में था, पटोले सर से बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, और इस बारे में फिर वो क्या एक्शन लेंगे, इस बारे में क्या आप बता सकते हैं? नहीं तो नाना भाऊ को उन्होंने स्टेटमेंट अपना पूरा दे दिया, अब वो सरकार मिल के अपना पालक मंत्री के साथ और जितने भी लोग मिलके क्या करते हैं, अब ये देखना है कि नाना भाऊ क्या स्टेटमेंट लेते हैं वहाँ पर। यानी इनको तो कुछ नहीं कर सकते ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर की कमी हुई है, यहाँ पे जितना था मेवा प्रशासन ने उतना लगा चुका है, पर ये आगे जो स्थिति जो भयानक हो गई है, जो रोड पर अभी आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग जो है जो बाहर है जिन्हें एडमिट नहीं किया जा रहा है, मेडिकल मेवा प्राइवेट सबकी यही हालत है। अब इसके बाद में सरकार क्यों सोई हुई है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को जागना चाहिए कि ये स्थिति होने के बाद भी लोग जो है ऑटो में मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, ये स्थिति होने के बाद भी सरकार सोई हुई है, और यहाँ पे जब पेशेंट आ रहा है तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं है, और इनके पास सही में नहीं है तो ये भी क्या करेंगे? अभी बताएं, हाथ में रहता तो ये करते थे, यहाँ पर उनके पास बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद में वेंटिलेटर नहीं है, तो ये भी कहाँ रखेंगे? इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, अभी सरकार क्या कर रही है मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। अभी जैसा कांग्रेस के बंटी शिर्के जी ने, उन्होंने ये बताया कि यहाँ से अभी 18 पेशेंट को रिलीज किया जा रहा है, अभी वो 18 पेशेंट रिलीज होंगे तो क्या उन पेशेंट रिलीज होने के बाद में इनको जगह मिलेगी यहाँ पर बैठ? हाँ, यही अभी सागर पांडे सर से यही बात हुई है मेरी। हाँ, ये अभी जो है 18 पेशेंट यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। हाँ, जिनकी बेड खाली होंगी। हाँ, और जो 8 नंबर में अंदर में जो लोग है। हाँ, उन्हें वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। हाँ, तो ये सब चल रहा है, अभी ये पूरे तरीके से काम कर रहे है। हाँ, यहाँ पे डॉक्टर इनकी गलती नहीं है। हाँ, मेन चीज है कि मेन बेड्स अवेलेबल नहीं है तो ये भी क्या करेंगे? अगर इनके हाथ में रहता तो ये भी रखते थे, अगर बेड्स अवेलेबल नहीं है। इसमें अभी पूरी जो है सरकार को करना चाहिए, क्या कर सकती है सरकार इसके लिए। अभी जैसा कि यहाँ पर कुछ कर्मचारी ऊपर ये बता रहे थे मीटिंग के अंदर कि जैसा दवा के अंदर भी फार्मेसी के ऊपर जा रहे तो अंधुन पैसा वसूल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहें? एक जो रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन है वो जो ब्लैकमेलिंग उसकी चालू हो गई है, यानी इंसानियत नाम की चीज अब खत्म हो चुकी है, खाली इस महामारी में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं ये लोग देख रहे हैं। रेमडेसिविर जो है वो 900 रुपए का मेन स्टार्टिंग रेट है, 1500 का उसको बाहर में बेचना चाहिए। आज की सिचुएशन ये है कि ब्लैक में उसे 15-15 हजार रुपए का बेचा जा रहा है, 12,000-15,000-8,000 का बेचा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है? रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है तो आप अवेलेबल क्यों नहीं करवा रहे हो यहाँ पर? अच्छा, आप बैठ के मुख दर्शन क्यों बने हुए हो? इतना ब्लैकमेलिंग हो रही है तो आप एक ब्लैकमेलिंग हो रही है, इसके लिए भी कुछ नहीं कर पा रही है सरकार। तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इस बारे में आप क्या ऑब्जेक्शन लेने वाले आगे? नहीं, हम तो अगर हमारे को कोई पता चल रहा है कि कोई 8,000 रुपए में बेच रहा है तो उसकी 8 हड्डी तोड़ेंगे हम जी, क्योंकि अगर वो ब्लैक
ब्लैकमेलिंग अगर वो कर रहा है और ये टाइम नहीं है अभी ब्लैकमेलिंग करने का, अगर वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो उसकी 8 हड्डी तोड़ी जाएंगी पहले। तो ये सारी चीजें में सरकार ने इसकी चौकसी करके एक मीटिंग बुलाना चाहिए और इसकी चौकसी करनी चाहिए। सरकार का ही काम है, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो क्यों अवेलेबल नहीं है? ऐसे अवेलेबल करवाना चाहिए जो इतना महामारी के टाइम पे गरीबों के पास पैसा नहीं है और इतनी महामारी के टाइम पर जो ये इतना इतना पैसा ले रहे हैं, तो एक प्रशासन ने मीटिंग बिठाकर ऐसे फार्मेसी वालों को फार्मेसी सील कर देना चाहिए। ये सरकार का ही पूरा काम है, तत्काल प्रभाव से अभी उन्हें काम करना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, सरकार सोई हुई है उन्हें जागना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करता हूँ, नागपुर की जनता से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि देखिए हॉस्पिटल के क्या हाल है, ये ऐसे पेशेंट बाहर में बैठे हुए हैं, ये इधर देखिए आप, ये देखिए पेशेंटों की ऐसी हालत है कि पेशेंट बाहर बैठे हुए हैं, अंदर बैठ ना होने के कारण पेशेंट बाहर बैठे हुए। ये देखिए एक व्हील चेयर के ऊपर पेशेंट है और इधर देखिए एक बाहर स्टेशन के ऊपर ये पेशेंट बैठे हुए, ये पेशेंट लेटे हुए स्टेशन के बाहर। ये देखिए यहाँ की परिस्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है मेवो की कि यहाँ पर बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है और इनके परिजन देखो यहाँ पर इंतजार में है, परिजन बहुत गुस्से में है। तुम जगह मत छोड़ो मेरी बात, अगर मानते हो तो तुम पागल चाले मत करो यार। ये देखिए ये स्टेशन व्हील चेयर के ऊपर भी एक पेशेंट बैठे हैं और इनके परिजन बहुत परेशान है। ये तो बोलते हैं कि हम पेशेंट को हम यहाँ रखना नहीं चाहते, पेशेंट को हम अपने घर लेके जाना चाहते हैं। जाओ अपने आप को पेशेंट रखते करो, लेकिन सुनो जो बोले हाँ, मेरी आप लोगों से नागपुर शहर वासियों से यही मोहतबाना हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। आप घूम के ये कोविड जो है बहुत ज्यादा फैल चुका है नागपुर में, आप घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ये जो महामारी है नागपुर शहर में बहुत तेजी से फैल चुकी है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसको बेड भी अवेलेबल नहीं है, आपका पैसा कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप घर में रहिए और स्वस्थ रहिए, बंद कर दीजिए। अगर जान रहेंगे तो बहुत कमा लेंगे, बहुत कर लेंगे, पर अभी आपको घर में रहने का है और ये महामारी से ये बचना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब, तत्काल न्यूज़ टीवी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं अब्दुल शेख तत्काल टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रविवार के दिन मेयो हॉस्पिटल के जीएन सर के ऑफिस में महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माननीय नाना भाऊ पटेले और विकास ठाकरे जी यहां पर उनके साथ में कुछ मीटिंग कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि मीटिंग में क्या बात हुई थी। आता कसं करतो काल एक चक्कर आम्हाला त्यांनी मिळालं की पांढरी कलांमध्ये आहे।
पंकज इधर इधर आइए पंकज, ये जो सेट बनाया ना चारों का, हाँ हाँ, ये एक और बना ले, एक अभी ठीक है ना, तो बना के लेकर तुमचा मॅडम म्हणाला तुम्ही त्या बरोबर आहे की त्याला दीक्षाचा तुमचा जो स्पीड आहे तो कमी कारण की आयसीयूची वैकेंसी तर खूपच रेअरली मिळून जाते आणि आपण आपला सेटअप आता असं केलेलं आहे की ईच वॉर्ड इज कन्व्हर्टेड ॲज अ म्हणजे आयसीयू आणि मी एचओडी एनेस्थेशिया पण लावून देऊ इतर व्हेंटिलेटरवरती चालू करून कमी झाली आहे म्हणून कलेक्टरकडे आम्ही पुन्हा प्रपोजल पाठवतो की आम्हाला 30 व्हेंटिलेटर पाहिजे. आम्ही जे प्रपोज केले होते घेतले होते असे 18 प्रपोजल आम्ही हाफिंगकडे पाठवलं होतं पण ते आले नाही. पहिलेच्या वेळेमध्ये आणि आताच्या वेळेमध्ये हा फरक आहे की आताच्या प्रिपरेटला व्हेंटिलेटर लागत आहे. पहिलेच्या पेशंटला हाय फ्लो ऑक्सिजन थेरपीने चालायचं नाही पण आता प्रिपरेटची पोझिशन नाही आता व्हेंटिलेटर लागू झाले. Thank you.
आता जो जो काल नवीन नवीन 10-12 लोकांना रेमडेसिवीर किंमत नाही मेडिसिनची मोठी दुकान आहे त्यांच्याकडे अवेलेबल होतं कमीत कमी तिथे बरेचसे लोक रात्री 11 वाजेपर्यंत होतो ना भाऊ त्याच्याच कडे कसं उपलब्ध झालं या सगळ्या गोष्टी कोणाकडे सुरेश मेडिकल त्याची काल कंप्लेंट आली सुरेश मेडिकल समोर प्रकार चालू आहे लोक मरून राहिले यार यामध्ये असं आहे ना आणि भाऊ ते 1175 रुपयाची त्याची एमआरपी ओरिजिनल रेट आहे शासनाने आदेश दिलेला आहे की 1100-1150 पर्यंत ते विकायचं भाई तू 1500 रुपये घे 5-5 11000 रुपये घेऊन राहिले 8-9000 रुपये त्यावर ते बोलणं गरजेचं आहे सर नमस्कार सर गर्दी नका करू तू सर नमस्कार अरे चल नमस्कार सर जी सर अभी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जो कमी बता रहे हैं इस बारे में आप क्या करेंगे जो परिस्थिति है वो भयावह है जी सर और केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने जी सर जिस तरह मदद करना है उसका सरकार केंद्र सरकार नहीं कर रही है जी सर राज्य सरकार के माध्यम से जो भी मदद करने का है वो करने का काम शुरू है जी सर और जहाँ ऑक्सीजन हो रेमडेसिविर हो ये सभी